अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं अरजू कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आज डॉक्टर अजहर असलम साहब ने, और जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी हैं, और हम उनको देखते रहते हैं कभी इंडियन टीवी पे, कभी यूट्यूब चैनल्स पे, और कभी कभार पाकिस्तानी चैनल पे भी, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम देते हैं। और आज बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और जाहिर है कि बहुत हंगामा है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब एक बार फिर अपना जो है लॉन्ग मार्च लेकर चल पड़े हैं, और उनका कहना है कि वो इलेक्शन की तारीख लेकर ही जाएंगे, और बीच में जो है वो अभी आज थर्ड डे है और काफी हंगामा। बीच बीच में वैसे खान साहब गायब भी हो जाते हैं, और असद उमर साहब कह देते हैं जी खान साहब किसी से मिलने गए हैं, और खान साहब कहते हैं मैं तो किसी से मिलने नहीं गया। यानी कि पार्टी के अंदर ही जो है वो एक तरह की अलग अलग बात की जा रही है। उसके अलावा आपसे क्योंकि मैं क्वेश्चन अभी ही कर लूं, फिर आपको रोकना, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है डॉन को पकड़ना, तो वैसा हो जाता है। तो मैं ये कह दूं कि फैसल वावडा साहब की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, और उन्होंने भी एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, साथ ही साथ DGISI और ISPR, DGISPR दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और लगा कि बहुत ज्यादा जो है वो परेशान हो गए हैं, प्रेशर में आ गए हैं। आप किस तरह देखते हैं आजकल की सारी सूरत हाल को? अच्छा, शुक्रिया मुझे मधु करने का। तो एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मेरे ख्याल लाइट नोट पे शुरू कर रहे थे, क्योंकि आपने बातें इतनी गंभीर किस्म की हैं कि इनकी एनालिसिस और वो जोन सा, और लाजमन मेरा और आपके खिलाफ होगा और फिर कोई बात चलेगी। ये आप मुझे इंट्रोड्यूस करवाती हैं हमेशा, जब आप मेरा तारुफ करवाती हैं, आप कहती हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यानी एक सियासी तज़ज़ियाकार हैं और सियासतदान भी हैं। यानी इसका मतलब है कि जो अमूमन सियासतदान होता है वो सियासी तज़ज़िया नहीं करता। नहीं, हमारे तो फौजी करते हैं, हमारे हमारी टीम में फौजी आगे करते हैं, वो तज़ज़िया के बगैर ही चलते हैं सियासतदान। उनकी राय होती है, तज़ज़िया नहीं होता, है ना। खैर, एनीवे, ये तो हज़रत तफन्नुन एक बात है। देखें, जो आपने सवालात किए और जिस मौके पे आपने मुझे घेरा, मुझे पता आप पिछले चंद दिन से मुसलसल मेरे पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि आपका भी दिल चाह रहा होगा शायद कोई पंगा लिया जाए। मैं एजोंसा मसरूफ रहा हूँ, अपोलोजीज के मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सका पहले। पाकिस्तान के हालात तो जाहिर है, यू नो, पिछले कई माह से तो गुरगू हैं ही, और उसमें सियासी हालात भी हैं, मौशी हालात भी हैं और माशरती हालात भी हैं। और लेकिन अब आजकल कुछ ज्यादा हुए हैं, आई एग्री विद यू ऑन दिस। और पिछले एक दो हफ्ते से, और खास तौर पे अरशद शरीफ साहब की एक, यू नो, इंतहाई अफसोसनाक मौत के बाद, तो मौत तो कोई भी अफसोसनाक होती है, लेकिन यू नो जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो हालात होते हैं, वो कुछ चीज़ों को ज़्यादा, खास तौर पे अगर गैर मुतवक्को हो तो उसको ज़्यादा तकलीफ दे बना देते हैं। उसके बाद से हालात ऐसे रहे कि चीज़ें जो थी वो बड़ी जैसे रैपिडली बदल रही हैं, लेकिन बहुत से यू नो चेहरे आश्कार भी हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो कहा जाता है ना कि ये एक, इसको ठीक करने के लिए आप एक वो उसके धागे का सिरा पकड़ें और उसको फिर आहिस्ता 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 खोलें और अनरेवल करें तो शायद कुछ हो, या प्याज की तरह आप एक लेयर उतारते हैं तो उसके नीचे एक और लेयर होती है, उसके बाद एक और नीचे उतारते हैं लेयर तो एक और लेयर होती है। तो मैं जो बात करूंगा हमेशा की तरह, चाहे आपसे इख्तलाफ हो, चाहे दूसरे दोस्तों से इख्तलाफ हो, या इत्तफाक भी हो लोगों के साथ, लेकिन मेरा मतमय नज़र और नुक्ता नज़र है जौन सा, वो हमेशा ये रहा है कि इंसानों की भलाई होनी चाहिए, इंसानों की फलाह बहबूद होनी चाहिए, और पाकिस्तान की, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान की फलाह बहबूद होनी चाहिए। आज सुबह भी, बल्कि पिछले चंद दिन से, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है पॉलिटिकल किस्म का, उसमें मेरे एक पुराने दोस्त हैं, उनसे मेरी यही बातचीत चल रही है। वो नवाज शरीफ साहब की बहुत हिमायत करते हैं, और मैंने उनसे एक बार पूछा कि आप क्यों उनकी इतनी हिमायत करते हैं, तो वो कहते हैं क्योंकि नवाज शरीफ जो उनसे सिविलियन बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं, या उन्होंने बातें की हैं सिविलियन बालादस्ती के लिए। तो फिर जब पिछले दिनों खान साहब ने पिछले चंद माह से आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोला है और सिविलियन बालादस्ती की बात की है, मेरे ख्याल है एक दो दफा आपसे भी इस बारे में बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपका ये मियार तो अगर यही था
स्वीडन वाला, दस्ती वाला, तो फिर तो आपको खान साहब के साथ आजकल ज्यादा लगाव होना चाहिए, क्योंकि वो तो आप बहुत चिढ़ खाते हैं खान साहब से। तो फिर उन्होंने लिखा कि नहीं, ये मसला ये नहीं है, मसला ये है कि सब एक ही जैसे हैं, लेकिन कोई आप मुझे वो कहने लगे कि आप इसको बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, सफेद और स्याह की सूरत में देखते हैं, असल मामला ये है कि सब ग्रे है। अब ये है कि कुछ ज्यादा ग्रे है, कुछ कम ग्रे है, और मेरे हिसाब से न्याजी साहब है जो उनसे, वो ज्यादा ग्रे हैं। खैर वो तो एक बात उनके अपने खिलाफ किए ग्रे वैसे भी गए हमारा फेवरेट है ना, हम पहले भी ग्रे लिस्ट में भी तो रहे ना, इसी हैं। वजह से। हाँ तो अब क्या मतलब इस बारे में बात कीजिए। देखें जो कुछ होता नजर आ रहा है, पहले ही मौसमी हालात आपके सामने हैं, आप पाकिस्तान में रहती हैं, आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, क्योंकि आपको रोज रोज बरोज आप फेस करती है ना, आपको सामना करना पड़ता है। दाल रोटी आटे का भाव आपको पता है, मुझसे बेहतर पता है। जो मुश्किलात वहां पे लोगों को हैं, जिस तरह उनके बिजली के बिल आते हैं, जिस तरह उनके गैस के बिल आते हैं, जिस तरह उनका जीना दुश्वार हुआ हुआ है, जो महंगाई का आलम है, वो भी आपको मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर पता है। तो जाहिर है जब इतनी जो हालात मौशी तौर पर टाइट हुई, यानी आप किसी को जो भूखा मारना शुरू कर देते हैं, या उसकी जिंदगी को तंग करना शुरू कर देते हैं, उसकी जिंदगी से सुकून मुहाल कर देते हैं, तो लाजमन वो इंसान जज्बाती होता है, वो रिएक्ट करता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो इज़्तिराब का शिकार होता है, उसको जहनी खलजान होता है, इंतशार बनता है उसके जहन में, और उसको गुस्सा भी चढ़ता है, फिर उसने गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना भी होता है। और ये तो अमूमन देखा जाता है कि जो मॉब मेंटेलिटी होती है, जिसमें लोग मारते धाड़ते हैं, उसमें मोस्टली तो कभी कोई लॉजिक नहीं होती है उसके अंदर, वो लोगों के पर्सनल जाती गुस्से होते हैं जो एकदम से फट के बाहर आ जाते हैं। बल्कि अब तो ये भी एक प्रूवन बात है कि जो लोग जिनको सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू करंट नैरेटिव अगर टेररिस्ट भी कहा जाए, या जो टेररिस्ट एक्ट करते हैं, तो वो भी मोस्टली मगरब में जब होता है इस किस्म का कोई मामला, तो एक्चुअली उनका जो जाती आग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फट रहा होता है, और उसके बाद वो मतलब उनकी जिंदगी किसी तरह से तंग की हुई होती है। तो पाकिस्तान में लोगों पे जिंदगी तंग करने से जाहिर है लोग तकलीफ में आएंगे, लोग जज्बाती होंगे, उनका गुस्सा होगा। फिर पाकिस्तान की जो नौजवान आबादी है बहुत ज्यादा है, 60-65% लोग हैं जो उनसे वो जवान है, और नौजवान खून है जो उनसे वो जल्दी उबलता है, वो सोचता समझते भी कम है, गुस्से में भी जल्दी आता है। तो ये चीजें अगर मद्देनजर रखें सामने, तो ऑब्वियसली हालात तो अच्छे नहीं है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम है, और आपस में इतना ज्यादा झगड़ा और इज़्तिराब बढ़ गया है कि लोग एक दूसरे से दस्त गरीबान है, एक दूसरे को मतलब मारने पे आ जाते हैं फौरन, और झगड़ा फैलाते हैं, और अनार्की है जो उनसा तवाफुल मुलूकी बढ़ जाती है ऐसे 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 हालात में। स्टेट जो है जो उनसा वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ती जा रही है, रियासत कमजोर हो रही है, रियासत के अदारे, क्योंकि जब रियासत के इदारों के अंदर से एतबार उठ जाए, रियासत के इदारे जो उनसे उनकी न्यूट्रलिटी पे एतबार उठ जाए, या उनके ऊपर लोगों को जो फेथ होता है, जैसे अगर पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत है, या एक उसको वो सिंबल के तौर पे देखते हैं कि ये पाकिस्तानियत का सिंबल है, वो खत्म हो जाए, वो तवक्कुआत बदल जाए, तो जाहिर है वो नुकसानदेह होता है, क्योंकि कोई भी इदारा और रियासत जब कमजोर होती है तो वो ऐसा ऐसा है जो उनसा वो सो कॉल्ड फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर जाहिर है मुख्तलिफ तरह के जियो पोलिटिकल प्रेशर्स जो आ रहे होते हैं, तो जो इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स होते हैं वो उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर मुल्क आपके अदम इस्तेहकाम को भी, और आपके इस्तेहकाम को भी, और आपकी मईशत को भी, और आपकी खूबियों को भी, और आपकी खामियों और कमजोरियों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, जो इंसान की फितरत के अंदर शामिल है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हालात तो अच्छे नहीं है, क्योंकि मौशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, और उन दोनों की वजह से, और ना सिर्फ उन दोनों की वजह से बल्कि वो लोग जो प्लेयर हैं इस फील्ड में इस वक्त एक्ट कर रहे हैं, बशमूल अगर हम ले लें एक तरफ पीडीएम के, एक तरफ पीटीआई के, दो बड़े सियासी प्लेयर्स को अगर हम ले लें, तो दोनों की तरफ से जो बातें हो रही हैं, जो जो हरकत हो रही हैं, जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो इस अदम इस्तेहकाम को बढ़ा रहे हैं, वो उसको कम नहीं कर रहे। अब उसमें जाहिर है आप ले लें, आपने सवाल किया डीजीएसआई की आईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस को, तो इट वाज एन एक्सट्रीमली अनयूजुअल थिंग,
मेरा नहीं ख्याल ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर है डीजीएसआई का एक अपना मुकाम और अपना रोल है उनका, और उनका ये रोल नहीं बनता कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने जो भी अपनी हिकमत अमली अपनाई, जो भी जिस वजह से भी उनका फैसला हुआ, कुछ लोग तो जाहिर है कहते हैं लो जी, और पाकिस्तान में ये इतना ज्यादा हो चुका हुआ है ये पार्टीसनशिप, कि उसके बाद भी कुछ लोग कह रहे थे कि देखें जी बस अब तो फौज वाले सीधे हो गए, और अब तो वो खान को नहीं छोड़ेंगे, न्याजी तो गया। दैट वाज अ सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ, न्याजी तो गया, ये मैंने मेरे एक दोस्त ने लिख के भेजा। तो दूसरी तरफ है जो उनसे वो लोग, और ये भी मेरे एक दोस्त ने लिख के भेजा कि देखो जी भोकला गए, अब इनको समझ नहीं आ रही है, खान तो पहले ही फतह पा गया है, दिस एंड दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए मेरी जो अपनी एनालिसिस है वो ये है इसके बारे में कि बदकिस्मती से ये जो सारा खेल खेला जा रहा है, ये अभी भी इसका फायदा अवाम को कोई नहीं होना। ये हैव और हैव नॉट्स का खेल है जो असल झगड़ा है। पाकिस्तान में 4, 5, 6, 7% आबादी ऐसी है जिसने इक्तदार पे कब्जा किया हुआ है, जो बाकी अवाम को है जो उनसाना पीसती है और उस पर रूल करती है, और पाकिस्तान की सारी तारीख बदकिस्मती से ऐसे ही मतलब इस सारी चीज की अकास है कि कैसे मुख्तलिफ कमजोर इंसानों को, कमजोर कौमियतों को, एंड सब नेशनैलिटीज को, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज बोलने वाले से उनको, सुबाइत को, इन मुख्तलिफ चीजों को बुनियाद बना के कैसे कमजोर लोगों को दबाया गया। और मेरी अपनी ये हमेशा इस बारे में थीसिस रही है कि ये जो पाकिस्तान में ज्यादातर डिविजन्स हैं, इसको अमीर लोग प्रमोट करते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले लेवल पे देखें तो आपको हमेशा एक खानदान के लोग हैं जो उनसे वो 3-4 पार्टियों में नजर आएंगे, इसी तरह एक खानदान का एक बंदा जो उनसा वो आर्मी में किसी हाई रैंक पे होगा, आला ओहदे पे होगा, दूसरा ब्यूरोक्रेसी में किसी आला ओहदे पे होगा, तीसरा सियासत में किसी आला ओहदे पे होगा, चौथा है जो सा वो जुडिशरी में किसी आला ओहदे पे होगा, अदलिया में उसका कोई आला मुकाम होगा। तो और आपस में उन खानदानों की शादियां हैं, आपस में उन खानदानों के रिश्तेदारियां हैं, आपस में उनकी बिजनेसेस एक हैं, वो तजारत इकट्ठी करते हैं, वो बनाते इकट्ठा हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदते हैं, उनकी शेयर होल्डिंग्स हैं और सब कुछ। तो अगर वो खुद आपस में शिया सुन्नी सिंधी पंजाबी पठान बलोची या इसमें से किसी चीज पे तख्सीस नहीं होती, आपस में फर्क नहीं लाते और आपस का म्यार है जो उनका वो अमारत का ही रखते हैं और उसी की बेस पे वो सब काम करते हैं, तो फिर जाहिर है जब वो खड़े होके बोलते हैं तो हो जी जुबान के मामले पे बोलते हैं या सुबाइत के मामले पे बोलते हैं, तो वो बेसिकली अवाम को तकसीम कर रहे होते हैं ताकि अवाम का फोकस है जो उनका वो कभी जुबान पे लग जाए, कभी सुबाइत पे लग जाए। एक तो लोग पहले ही बेचारे कमर तोड़ महंगाई से तंग हैं, हमेशा से उनकी जिंदगी वैसे ही मुश्किल चली आ रही है, इंसाफ उस मुल्क में मिलता नहीं है, तालीम का बुरा हाल है, सेहत का बुरा हाल है, तो ऐसे मुआशरे के अंदर जो पाउडर केक बना हुआ है उसको तो थोड़ी सी आप भी आग लगाएं तो वो आतिशफिशां बन जाता है, तो नॉर्मल है कि वो एक्सप्लोड करेगा, और उसके एक्सप्लोड करने के मुख्तलिफ हैं जो उनसे आप लेकिन देखते अभी रहती हैं अभी अभी जो मुजाहरे। इमरान खान सर अभी जो इमरान खान निकले हैं अपना काफला लेकर और इतना पैसा ये इसमें लगा रहे हैं लॉन्ग मार्च में कभी पॉलिटिकल रैली में, इस वक्त अगर वही पैसा पाकिस्तान के लोगों के ऊपर लगा दिया जाए तो मुझे आप बेहतर नहीं बताइए होगा? कि मुझे आप एक एक सवाल का जवाब दे, जो 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 मैं अपने लोगों से दोस्तों से कर चुका हूँ। हुकूमत पाकिस्तान जिसमें बशमूल फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, हुकूमत बलोचिस्तान बल्तिस्तान, ये सारी हुकूमतें शामिल हैं और सारी सियासी पार्टियां, अभी सैलाब को आए हुए 2 माह हुए हैं, अभी तो पानी भी पूरी तरह से नहीं उतरा, अभी तो लोगों की बहाली है जो उनसे उसमें कई साल लगने हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता कुछ करते हुए कोई, वो जो शुरू तो में दो जज्बाती बंद था दो बड़े बातें हुई। प्रोविंस में तो इमरान खान की गवर्नमेंट है ना, पंजाब में भी और बिल्कुल केपीके में भी। हाँ, तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर रहा ना, कोई कर रहा है कुछ?
क्या को वफाकी हुकूमत कर रही है, क्या पंजाब हुकूमत कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है, कुछ कर रही है, नहीं कुछ नहीं कर रही। देखें, दूसरी तो बात यह है कि इमरान अगर खान हम को क्या जिद देखें, लेके मैंने दोबारा आना है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में 5 साल मुकम्मल नहीं करती, तो आखिर इमरान खान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया, फिर कभी आइएगा। ये तो खान साहब से आप पूछिए, उनका टाइम पूरा हो गया, क्यों हो गया नहीं हो गया। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो हालात है, मेरे नजदीक तो ये पूरा जो सियासी निजाम है, ये उतना, ये अपने जो बदबू पहले फैलाता था, उस बदबू को मजीद बदबू बना के फैला रहा है। ये ना आप, अब आप देखें, मतलब पीडीएम यार, आप खान के पीछे पड़ी। अब आप मुझे बताइए, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने जब उन पर फर्द जुर्म आयद हुई थी, और वो फर्द जुर्म है जो उन साहब को गलत नहीं थी, सबको पता है, सबको पता है कि वो बिल्कुल जायज थी, सबको पता है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, 11,000 सफात से ज्यादा की डिटेल जमा की है एफआईए वाले ने। और मुझे समझ नहीं आती कि शरीफ फैमिली पे जितने उनके खिलाफ गवाह होते हैं, जितने उनके खिलाफ काम कर रहे होते हैं, वो खुद बखुद ये मरते क्यों रहते हैं बेचारे। वजीर आला बना रहे हैं वो अपने बेटे को, उसके बाद इन सब ने मिलके जो अंदर नैब की तरह अमीन की है, जिसका फायदा सबको है, पीटीआई वालों को भी है, पीडीएम वालों को भी है, पीपी पीएमएलएन नैब के अंदर जो तरामीम किए हैं, पुराने सारे केस बंद कर दिए हैं, ठीक है, एफआईए जो उनसे अपना मुकदमा वापस ले लेती है, वो पेश नहीं होना चाहती, मुकदमात खत्म होते हैं, तो यार ये किसका फायदा हो रहा है, आप मुझे बताइए, किस कौन सा एक आदमी, कोई कोई मकसूद माई स्कीना, कोई आरजू काजमी, कोई अजहर असलम, किस जो आम लोग हैं जिनका फायदा हो गया हो इन सारे कामों से, इन सारे इकदाम से किसका फायदा हुआ है, किसी का फायदा हुआ है, या कोई इन सारे इकदाम से आप खान साहब का क्या रोना रो रही है यार। खान साहब है कौन सा, उनको अपने आप को, मेरी ओपिनियन में, मेरी राय में, अपने आप को थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाना चाहिए था, लेकिन जाहिर है जो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था अपना, देखें जो 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 सियासी वजह है उसको आप एनालाइज करने की कोशिश करें ना, एक बंदे को निकाला गया, ठीक है, अब वो जाहिर है किसी को भी निकाला जाता है गुस्से में तो आता है, जैसे नवाज शरीफ साहब जीटी रोड से गए थे और उन्होंने मुझे क्यों निकाला का नारा लगाया था, बाद में उन्होंने तकरीर करके जनरल बाजवा, जनरल फैज मीद, इनके नाम लेके बातें की, सब कुछ किया, ठीक है, किया उन्होंने, फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, नजर आया सब कुछ, ठीक है, तो गुस्से में तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है। उसके बाद हुआ ये कि जो बिल्डअप हुआ हुआ था पिछले 10 साल से, सच्चा ये झूठा को छोड़ दें, नैरेटिव पीडीएम वालों के खिलाफ, तो लोग जाहिर है उसके खिलाफ एक निकले, खान साहब ने उसको कैप्चर कर लिया उस सारी चीज को और उससे फायदा उठाया। अब खान साहब ने कुछ बीच में सियासी गलतियां की, जो शायद वो उनको इलेक्शन की डेट मिल जाती, शायद उनको वो उनकी जो सियासी गलतियां हैं उनकी वजह से वो मकसद हासिल नहीं कर सके जो करना चाह रहे थे, कि चलो या इलेक्शन की डेट हो जाए या कुछ वापसी का रास्ता बन जाए। तो अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने वही करना है जो शहबाज शरीफ साहब करते आए, नवाज शरीफ साहब करते आए, जरदारी साहब करते आए, कि इकतदार में वापस आने की कोशिश कर रही है, जो पाकिस्तान में हमेशा से हो रहा है कि इकतदार में आना है, इकतदार में आना है, इकतदार में आके करना क्या है, कोई कुछ नहीं करता। अगर आप पूछ लें आपने क्या तोशा करना है, खाना के भी तो इल्जामात है ना, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, एग्जैक्टली वो जो फॉरेन फंडिंग केस के अलावा तोशा खाना की भी बात तो की जा रही है ना, नहीं बात तेरे बात तो करना, वो ये सादिक देखें और कोई अमीन नहीं तो बहरहाल नहीं रहे, सादिक और यार, अमीन तो खान देखें साहब नहीं कह सादिक और सकते। अमीन के बारे में उस दिन आपके एक सीनियर साफी कह रहे थे और बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि देखें सादिक और अमीन का लकब है जौन साहब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के था, लेट्स लीव इट देयर, ओके, हम ये कह सकते हैं कि उनकी सुन्नत पे चलते हुए इंसान को सच्चा रहना चाहिए और साफ होना चाहिए। और जहां तक फाइनेंशियल करप्शन और फाइनेंशियल क्लियरेंस है, ये तो दुनिया में हर जगह सियासतदान से तस्वुर किया जाता है ना, कि कहीं भी दुनिया में पकड़ ले नहीं सियासतदान को, मतलब कोई आप कह चोर रहे हो हैं तो उसको सजा ना, मिलती है, बाकी तो पॉलिटिशियन ये पे पाकिस्तान केसेस से हैं कोई, तो गलत है, इमरान खान पे केसेस हैं तो ठीक है, आपका ख्याल है, कोई बात नहीं, अगर इमरान खान ने कर लिया सभी करते हैं। नहीं ये क्यों, मैंने कब कहा ये आप मेरे मेरे मुंह में ये अल्फाज मत डाले, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा खान साहब ने गलत किया। मुझे खान साहब की गलत करने से ज्यादा इस चीज की फिक्र है कि आज आप देखें, जहां तो आपने कहा ना मिलने गए, मिलने जाने में कोई हर्ज नहीं है यार, मिलने की जरूरत है, अदारों को भी मिलने की जरूरत है, इनको आपस में भी मिलने की जरूरत है। आज मैं शहबाज शरीफ साहब का एक बयान भेज रहा था कि इमरान खान ने मुझे पैगाम भिजवाया कि नए आर्मी चीफ के लिए
हम तीन नाम देता हूँ, मैं तीन आप दें और हम मिलके बैठ के फैसला करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं क्यों फैसला करूं, आपने तुसी करते हुए हमसे पूछा था। अब ये कितनी गलत बात है यार, तुसी जब हुई थी तो उसके लिए तो पूरा पूरे पार्लियामेंट ने वोट डाला। नहीं मतलब ठीक है, इमरान खान उठ के चोर डाकू बोलेंगे लोगों को और उसके बाद कहेंगे कि मेरे साथ बैठ के नहीं मतलब डिसाइड देखें, करो। जो 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 मैंने आप पहले भी कहा है कि जो जुबान इस्तेमाल होती है पूरी सियासत में, जो जुबान इस्तेमाल हो रही है और ये लफ्ज जो इस्तेमाल हो रहा है, खूनी मार्च है, लाशें गिरेंगी, ये होगा, खुदा का खौफ करें यार। इस मुल्क में पहले फैसल वाउडा का कहना है, फैसल वाउडा पिछले बीस इमरान साल खान का। में और कुछ नहीं तो इन्हीं हंगामों की नजर लाख 1 लाख बंदा तो वैसे मारा जा चुका है यार। जब कोई लाश गिरती है तो वो लाश एक इंसान होता है, उसकी ख्वाहिशात होती है, कोई ख्वाब होते हैं, इसकी जिंदगी के चिराग आप गुल करते हैं, उसके साथ रिलेटेड उसकी कोई फैमिली होती है, उसके कोई बच्चे होते हैं, कोई माँ बाप होते हैं, कोई बहन भाई दोस्त यार होते हैं। ये कोई मतलब इसको इस तरह आसान मामले को तो नहीं देखना चाहिए। जैसे आज हम खबरें सुन रहे हैं कि आपकी एक कुलीग जर्नलिस्ट है जो सी वो मार्च में गिर के कंटेनर से फोत हो गई है, तो अब उसको अब बड़े तनाजुर में तो हो सकता है इग्नोर कर दें, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे तो बड़ी ट्रेजेडी है ना। उस खातून के कोई बच्चे थे, बगैर माँ के बच्चे रह गए। अब आप खुद सोचें वो अगले 10 15 20 25 साल तक वो बच्चे कैसे रहेंगे, उनके वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरेंगे, किस फिजिकल हालत में जाएंगे, किसी को कल क्या पता होगा। साहिवाल के में लोग मार दिए, मॉडल टाउन में लोग मार दिए, राइट लेफ्ट सेंटर लोग मरते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होती। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, ये मुल्क इसलिए तो नहीं बना था। लेकिन नहीं ये तो अमाजगा बन गया ऐसे लोगों की, जो जो लूटे घसूटे मरे मारे जो कुछ मर्जी करें, उसके बाद लीडर भी वही बने रहे। ठीक लेकिन है, एक चीज ये है ना कि इमरान खान के टाइम में ये भी कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी का भी उन्होंने बहुत नुकसान किया, इकोनॉमी भी उनसे नहीं संभल रही थी। खान साहब के खुद के अल्फाज हैं कि मुझे मुझे जी ऐसे भेज दिया, मुझे अभी काम नहीं आ रहा करना, वो कह रहे मैं तैयार नहीं था। पहले अरे कहते थे कि खान साहब टीम है, तो, फिर खान आके साहब कहते हैं अब तो टीम नहीं है। सर्टन बातें तो बहुत मुतजाद और मजक्का खेज किस्म की करते हैं। मतलब ऐसी बच्ची वाली बात करते हैं कि बंदा कहता है यार ये क्या बात की जा रही है। और उस सोच उसको उसको सुन के इंसान को मजीद एहसास होता है कि हमारी कितनी बड़ी ट्रेजिडी है, कितना बड़ा सानिया है कि हमारे पास इतना कहतुर रजाल है, लोगों की इतनी कमी वो है क्या होता है कि आप इतनी कि मुश्किल उर्दू मत बोलिए, मेरी समझ में नहीं आ रही तो मेरी ऑडियंस की क्या खाक समझ में नहीं मतलब लोगों की आएगी। इतनी कमी है हमारे यहाँ कि हमारे पास दो चार लीडर हैं और उनके हालात और उनका 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 मेयार ये है, उनकी सोच ये है। अब आप खुद सोच लें, मतलब एक तरफ खान साहब हैं, चलो आप उन पे तोशाखाना का स्कैंडल है या फॉरेन फंडिंग का है या जो कुछ भी है, स्कैंडल्स उनके बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो हुकूमत की उसकी कारकर्दगी 0 के बराबर थी। ठीक है, दूसरी तरफ आपके वजीर आजम है जिन पे फर्दे और जुर्म आए थी और उन्होंने अपने आप को प्रेशर डलवा के शायद माफ करवाया जो कुछ भी किया है। तो अब आप लाइक फॉर लाइक हम क्या देख रहे हैं, या हम कहते हैं अच्छा जी नवाज शरीफ साहब हैं उनको किसी और इल्जाम में बंद किया हुआ है, या आसिफ जरदारी साहब थे जिनको दुनिया सारी 10% कहती थी। तो अगर हम 4 5 नाम लें, या मौलाना फजल रहमान है उन पे इल्जाम आते हैं कि उन्होंने बहुत सी जायदादें और वो बनाई है सब कुछ और किए हैं चीजें, तो बीच मतलब में आप जो आप भाई लोग जिसका को भूल रहे हैं, भाई लोग ने भी बड़ी कमाई की है। नहीं, मैं तो उन आपने सियासतदानों की बात कर रही है ना कि सियासत में हमारे ये कौन भी है। सियासतदानी ठीक है है, ना, अगर ये नहीं पॉलिटिकल विंग बना रहे हैं, पॉलिटिकल विंग बना रहे हैं, पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, पॉलिटिक्स को चला रहे हैं, बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं और कह रहे नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है। ऐसा ना होता तो एक इमरान खान का खुद का कहना है कि जी ये एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो एकदम पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो जब वो देखें, आप भी जो इमरान खान की बात पसंद आती है उसको चुन लेती है, जो नहीं पसंद आती। लेकिन एक और मजेदार बात यह है कि खान साहब की इस दफा से जो मुझे एहसास हुआ है कि बुग्ज़े इमरान इतना ज्यादा है, आई डोंट नो कि उन्होंने क्या किया है आप लोगों के साथ, साफ साफियों के साथ, कि साफती दुनिया में बुग्ज़े इमरान इतना ज्यादा है कि आप लोग आर्मी तक का साथ देने को तैयार हो गए, हालांकि बहुत से लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे किसी जमाने में। अब वो एंटी नहीं इमरान हम जरूर है, न्यूट्रल हैं, हम लेकिन न्यूट्रल हैं, जो गलत करेगा नहीं उसको नहीं बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं आप नहीं है। न्यूट्रल नहीं है, नहीं आप ऐसा नहीं कह रहे। आपको मैंने कभी ये नहीं सुना, आपने कभी मुझे बताई ईमानदारी से आपने शहबाज शरीफ के साथ के खिलाफ बैठ के कभी प्रोग्राम किया, आपने इस क्यों बात पे नहीं, प्रोग्राम किया है कि नैब है मैंने जो सा, पीपल्स पार्टी आप को मुझे भी बताएं कहा नैब है, के, मैंने पीएमएलएन को भी कहा है, नहीं मैंने पीएमएलएन फौज को भी कहा पीपल्स है। पार्टी और पीएमएल छोड़ दें, आप मुझे बताएं आपने कभी इस चीज पे प्रोग्राम किया है 15 मिनट का 20 मिनट का कि ये शहबाज शरीफ पे फर्दे जुर्म आयद है, लेट्स इन्वेस्टिगेट दैट सी कि ये बंदा इस काबिल है कि वजीर आजम बने या ना बने, किया नहीं कभी? वजीर आजम नहीं किया बनने ना। की, तो आप मुझे देखिए ये बात कह मैंने रहे हैं कि नहीं, मैंने नहीं
जो हर गलत इंसान की करता अपनी है उसके पसंद खिलाफ हम नापसंद बात होती करते है, हैं, ठीक ऐसा नहीं है। है, हर जो गलत इंसान की करता अपनी है, पसंद नापसंद होती है, आप उस हिसाब से बात करते हैं, उस हिसाब नहीं, से मैं करते खैर हैं, मैंने आप ये नहीं नहीं कहा कि करती हैं। पीएमएलएन मेरी कोई फेवरेट है। मैं तो नहीं, हर एक की बात करती हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, आप जिसने सिंध लोग का बेड़ा यकीनन गर्क कर इंसाफ दिया की है, दुनिया चाहे में वो सर्टन पीएमएलएन लोग हैं जो हो। उनसे वो इतने खिलाफ हैं इमरान खान के, कि वो आर्मी तक का साथ देने को तैयार हो गए, हालांकि किसी जमाने में वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुआ करते थे और सख्त, और इस बात पे गुस्सा उनको रहता था कि जी आर्मी मुदाखलत ना करे, इमरान लेकिन खान तो अब खुद वही प्रोडक्ट आर्मी है है जो आर्मी उनकी, की। अब वही इमरान एस्टेब्लिशमेंट अगर है जो उनका मुदाखलत करे इन शहबाज शरीफ के हक में या पीएमएलएन के हक में, पीडीएम के हक में, तो वो जायज बन गया यार, ऐसे नहीं हो सकता। आप दोहरे मियार तो ना रखे ना, ये नहीं, दोहरा मियार ही तो इस देखे मुल्क को मरवा रहा है, इस मुल्क की सारी देखे खराबी इमरान खान मुनाफ्त तो तो खुद, दोहरे मियार से शुरू होती है। आर्मी की प्रोडक्ट है। इमरान खान तो खुद उसी तो कौन फैक्ट्री में नहीं से है? निकले हैं, अच्छा मुझे एक बंदा गिनवाए, टेल मी जो वन वो नेम अभी जो बात नहीं है। कर रहे हैं कि जी मैं आर्मी के नहीं, खिलाफ हूं टेल और मैं मी ये वन, कहूं। नहीं, सब है, सब है, भुट्टो से टेल मी लेकर वन इमरान खान तक सब है, सब भुट्टो से है। पहले वाले भी थे यार, वो भुट्टो तो भी बाद में, भुट्टो भुट्टो भी से पहले उनको वाले यही भी। खान को डैडी बोला मुझे करते थे, इमरान खान भी नहीं, शायद अब्बा जी बोलते होंगे, बाजवा सबको। लेकिन ये है नहीं कि पता, ये सब मैं देखे ना, एक ये तरफ से देखे, अब निकले आप ना। अपनी, अब आप अपनी जुबान, आप इमरान खान की जुबान पे एतराज करती हैं, आप अपनी लैंग्वेज को देखें, इमरान खान क्या बाजवा किया को आपने अब्बा तो बोलते हो, नहीं यार ये अब्बा ज्यादती बोलने है, पे, डोंट क्या बुरी बात डोंट गो डाउन टू दिस लेवल ना, डोंट गो डाउन टू दिस लेवल। आप देखो बहुत बहुत अंधेरा है, बहुत तारीकी है, उसमें कोई एक शमा तो जला के रखो, अपने हिस्से की शमा तो जलाओ, ठीक है। नहीं, इसमें आप क्या गलत क्या अपना है मैंने? नहीं, आप अपनी देखो, हमें बूट ये करना पॉलिश है भी, ये चाहिए, लोग हैं जूते भी पॉलिश करते हैं, इसमें इसमें देखो कौन सी, एक सर्टन, दूसरे को देखो बोलते मैं रहते फॉर हैं। एग्जांपल मेरी बात सुने, आप जैसे आपने कहा ना कि खान साहब कंटेनर छोड़ के चले गए उन्होंने मुलाकात की, ठीक है, की उन्होंने मुलाकात, अगर आप देखा जाए तो दोहरा मियार नजर आता है, मुनाफिकत नजर आती है, सब कुछ नजर आता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उस मुलाकात से कोई हालात डिफ्यूज हो जाए तो बेहतर है। अगर वो शहबाज शरीफ से मिल लें, बेशक दोनों पे इल्जाम हैं, बेशक मैं दोनों को कहूंगा कि ठीक इंसान नहीं है, लेकिन अगर उससे मुल्क की कोई थोड़ी सी बेहतरी हो जाए, हालात डिफ्यूज हो जाए, अनार्की कम हो जाए, ये जो टेम्परेचर है ये ज्यादा ना बढ़े, एक्सप्लोड अच्छा, ना हो, तो बेहतर है, उससे एक लोगों चीज की मुझे जिंदगी थोड़ी बताइए, सी बेहतर हो जाए तो बेहतर है। एक चीज यस मुझे बताइए कि अगर अगर इलेक्शंस होते हैं, जब भी होते हैं इलेक्शंस होते हैं, इमरान खान समझे हार गए, आपके ख्याल से वो एक्सेप्ट कर लेंगे उस हार को, या वो कहेंगे नहीं जी धांधली हुई है और फिर वही देखो, तमाशा खड़ा हो किसने जाएगा? एक्सेप्ट किया आज तक पाकिस्तान में यार, नहीं आप अभी कह रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करेंगे ना, वैसे हमारे भारतीय दोस्त जो हैं वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान को 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दो, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो बेड़ा गर्क हम करना चाहते थे उससे डबल इमरान खान कर दे। नहीं, लेकिन मुझे आपके भारतीय दोस्त क्यों पाकिस्तान को बड़ा गलत करना चाहते हैं, क्यों उनके अंदर पाकिस्तान के एक खिलाफ इतना बात है। तासुब नहीं है? नहीं नहीं शुरू नहीं दिन से जब से पाकिस्तान बना है भारतीय ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान से यार, बड़ा 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क है, आबादी में बड़ा है 5 गुना, रकबे में बड़ा है, इकोनॉमी में 10 गुना बड़ा है भारत है जो उनसा, उनको क्या जरूरत है पाकिस्तान से ऑब्सेशन की? आई नेवर अंडरस्टैंड दिस होल थिंग। और आमतौर पे मिलते हैं मेरे अपने इतने इंडियन भारतीय दोस्त वो हैं, एग्जाम्पल यू दे रहे हैं नो, सर, वो कर नहीं रहे, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भारत अगर कोई मतलब लेकिन दुश्मन लेकिन मुल्क, वो वेल फर्ज कर विश क्यों नहीं, लीजिए, हाँ लेकिन वो हम तो वेल विश दुश्मन क्यों लोग नहीं गिनते करते? हैं आप ना। अपने दोस्तों से पूछें वेल विश क्यों नहीं करते हो, को नेक ख्वाहिशात क्यों नहीं रखते हो पाकिस्तान क्या के नहीं लिए? ख्वाहिश, हमारी अपनी हरकतें सही नहीं हो रही तो क्या करें? अगर यार इमरान हमारी, खान, अब हमारी हरकतें, अब देखो मोदी साहब की हरकतें मेरे हिसाब से इंडिया के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, हमारे खिलाफ है वो एक डिफरेंट चीज है, इंडिया के लिए ठीक नहीं है, इंडिया के मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, इंडिया के हिंदुओं के लिए ठीक नहीं है, इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो बंदा नेक ख्वाहिश तो रख सकता है ना यार, उस मुल्क के हालात ठीक रहे, इंसान बेहतर रहे। कमाल कर रहे हैं आप, इकोनॉमी उनकी आगे जा रही है, जहां आप बैठे हुए हैं आप लोगों से भी आगे चले गए, आप यूके में है ना, नहीं नहीं लेकिन और उसके वो बाद उनकी जो फॉरेन इकॉनमी, नहीं पॉलिसी, यानी लेकिन उनके आप उनके जो देखें फॉरेन बच्चों मिनिस्टर वाले, हैं, हम कहते हैं देखें काश आप हमारे बच्चों ऐसे वाले, फॉरेन मिनिस्टर देखो होते। बच्चों वाले आर्गुमेंट मान दे, भारत की इकोनॉमी का बड़ा होने का ताल्लुक मोदी साहब की हुकूमत से नहीं है, ओके, लेट्स नॉट यू नो अच्छा, द टू डिफरेंट थिंग्स, द टू डिफरेंट थिंग्स, उसमें मोदी ओके, साहब का एक छोटा सा रोल है, और वो वो है तो है कि उन ना। पॉलिसीज को कंटिन्यू करना, और एट द सेम टाइम ग्लोबल लिबरल ऑर्डर के जो अमीर लोग हैं उनके साथ है, जो सब अपनी गुर्बत में फर्क पड़ा यार, आपने जीडीपी बड़ा करके क्या करना है,
गुर्बत में फर्क पड़ा है कि भारत के, भारत में गरीबों उनकी का नंबर जो बढ़ गया। फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी ये सब सब देखें लोग तारीफ ये, कर रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी, डॉक्टर जयशंकर की, इमरान खान ने और कितनी भाई बार कहा डॉक्टर है। जयशंकर है जो उनसे वो अच्छा बोलते हैं, ठीक बात करें तो उनकी तारीफ करना जायज बनता है ना, उसका इस चीज से तो कोई तो ताल्लुक फिर नहीं मैं है। ये कह रही हूं ना कि आप क्यों आप हम देखें मतलब मसल कहेंगे कि वो मैं आपको हमारे बात बताऊं, मुझे मोदी मोदी साहब जब पहली दफा जीते थे तो उनकी पहली तकरीर मुझे आज तक याद है और मुझे बहुत पसंद आई थी। उसको ये मतलब नहीं है मैं उनकी हर चीज की तारीफ करूंगा अरे ना। वाह, मतलब एक 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 मतलब बात अगर वहां पे अच्छी हो रही है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे हमारे लीडर्स भी यही हाँ करते हैं, जो जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं जब वो हट जाते हैं अपनी सीट से तो अचानक तारीफें शुरू कर देते हैं, और जब तक सीट पे रहते हैं तो वो फिर जब तक बुरा भला कहते रहते हैं। ये भी नहीं हम इसमें देखने में आया यार हमारे बुरा यहाँ। भला क्या, कर हमें सीखना चाहिए कैसे उन्होंने, मैं आपको पहले भी इस बात पे कह चुका हूँ जब हमने IMF का प्रोग्राम किया था, हमें सीखना चाहिए कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, उनकी रिफॉर्म्स क्या थी, उन्होंने कैसे चीजों को किया है, अपने आप को बेहतर बनाया, कैसे उनकी डिप्लोमेसी कितनी अच्छी है, उन्होंने अपने स्टेट को है जो सा कैसे स्ट्रॉन्ग किया है। इंडियन स्टेट स्ट्रॉन्ग हुई है ना, पहले से पहले देखिए वीक थी अब थोड़ी करप्शन तो स्ट्रॉन्ग उनके हुई, भी है, ऐसा नहीं कि लेकिन करप्शन उनके नहीं है, करप्शन उनके तो भी बहुत है, ज्यादा है, बहुत करप्शन ज्यादा तो है, हर जगह है। लेकिन लेकिन फिर भी हमारे से उनकी हालत बेहतर, इसलिए कि उनके करप्शन का पैसा उनके मुल्क में रह जाता है, हमारा निकल के इंग्लैंड में, दुबई में और इधर उधर चला जाता है। आपके दोस्त लेके जाते हैं ना जिनकी आप तारीफें कर रहे हैं, मेरे कौन से दोस्त लेके जाते जो हुकूमत में लेके हैं? मेरे जाते कोई हैं, दोस्त हुकूमत सबको में पता नहीं है। है, और ना ही मेरे दोस्त पाकिस्तान की हुकूमत में आ यू नो सकते हैं। अगर नहीं नहीं अगर नहीं अगर 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 इस मुल्क में यही तरफा तमाशा चलता है कि कैबिनेट कभी लंदन जाती है तो कभी दुबई जाती है, ठीक है, तो या वो वो कैबिनेट एजेंसी वो बन्नी गाला में जाके बन जाती है, तो उस वक्त तक तो इस मुल्क के इमरान हालात अच्छे खान कह होंगे। रहे हैं हम पॉइंट आजादी बीइंग मार्च कर रहे हैं, इमरान खान ने कहा हम आजादी मार्च कर रहे हैं, फैमिलीज बाहर निकले, उनकी अपनी फैमिली तो लंदन में बैठी है, तीनों बच्चे उनके जिसमें से एक को उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं नहीं, किया। मेरी बात सुनो, नहीं, गलत बात कर रही हैं आप। उनकी अपनी फैमिली, उनकी बेगम है जो उनके साथ है, अब वो जो कुछ पिछले बीस क्यों पच्चीस साल पहले हुआ बच्चे उसको आप नहीं बच्चे कह फैमिली सकते। नहीं होते, उनके नहीं बेटे नहीं उनकी नहीं नहीं बेटी नहीं कहाँ नहीं है? उनकी उनकी बेगम बाहर की थी, उनके बच्चे बाहर के थे, वो चले गए, उसका क्या कुछ क्या ताल्लुक नहीं बनता। गलत बात है, आप गलत बात कर नहीं रही नहीं हैं। नहीं 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 बच्चे तो अपने ही होते हैं ना, बच्चे बाहर के कहाँ से हो गए नहीं उनके? नहीं यार आप कैसी बातें कर रही हैं। देखो आप इस मामले में, हम क्यों मैं खान साहब के जाती मामलात में दखल दूं, बेतुकी सी बात कर रही हैं, उनकी तलाक कब हुई, बच्चे कब बाहर गए, बच्चे तो है ना, तो उस वक्त बुला उनकी लेना सियासत अपने बच्चों को, तो दूसरों को तो क्या कह करती। देंगे इनके बच्चे बाहर है, नवाज शरीफ के अरे बच्चे बड़े बाहर है, बच्चे हो चुके हैं उनके, फलाने यार के बच्चे बाहर है, तो देखो अपने मैं इस बुला बात में, लेना अच्छा अंदर। ठीक है यार आप जीत गए, यू विन द आर्गूमेंट, ओके यू आर राइट फाइन। अब मैं आपकी बातों को क्या जवाब दूँ, इस बात का क्या जवाब अच्छा दूँ, मुझे ये ये बताइए कोई आर्ग्यूमेंट। लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में मुझे ये अब आपकी बताइए, दलील का लेवल ये हो गया, बहुत अफसोस की बात है, ये आरजू काजमी को क्या हो गया। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, लेकिन मुझे ये बताइए लास्ट में कि आपको क्या वैसे लग मुझे एक रहा बात है। बताइए, एक बात बताइए, ये AKTV आपने नाम रखा है, आपके भारतीय दोस्त ये नहीं कहते आजाद कश्मीर टीवी का नाम रख दिया, आजाद नहीं कश्मीर मुझे पता टीवी। है आरजू काजमी, लेकिन मुझे ये बताइए लास्ट में क्या लग रहा है आपको, इमरान खान अपना जो चल रहा है उनका आजादी मार्च को लेके इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उससे पहले ही उनकी बातचीत हो जाएगी या पहुंचेंगे और कोई और हंगामा होता हुआ तो नहीं देख रहे आप फिर कोई किस्म की शेलिंग या मारकाट? वैसे तो पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जो ये हिकमत अमली अपनाई है ना कि इसको चलाया ही लाहौर से है, और कहा है मैं एक हफ्ता लूंगा, यानी आई विल टेक माई टाइम, सबको मैसेज भेजा है कि वक्त है मौजूद, गपशप कर लें, बात कर लें, कोई कर लें, और हो भी जाए तो बेहतर है। तो और अब तो उन्होंने उस हद तक कंप्रोमाइज शुरू कर दिया है कि वो कहते हैं कि ठीक है जी मार्च अप्रैल की डेट दे दें, जो एक कोई अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं है, क्योंकि अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होने तो 6 महीने पहले हो जाएंगे तो क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दे से कि अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। ये जो कह रहे थे ना DGISI कान खोल के सुन लो, मतलब ये वाला अंदाज आप अप्रिशिएट करेंगे इसको। यार आपको तो करना चाहिए, आप तो सिविलियन हाँ सुप्रीमेसी की बहुत बड़ी वो लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं कहा, मैं हमायती ना ही रही इस हैं। तरह की जबान की जो है वो मैं कहती हूँ कि ठीक है, मतलब आपको कुछ कहना है आप तमीज से भी कह तो सकते हैं, पाकिस्तान ये में तो कितनी दफा हम डिस्कस कान कर खोल चुके हैं, लो। पाकिस्तान में मौला जट सियासत है, आप देख ले मौला जट आ गई है दोबारा, मैंने दोबारा देखी नहीं है, लेकिन मौला जट सियासत है पाकिस्तान में अभी भी, जो बड़केम करता है। आपने कभी अपने टीवी के, मैं एक आपको एग्जांपल देने लगा इसी चीज की,
आपके टीवी के टिकर में पता है क्या लिखा हुआ आता है? खान की दबंग एंट्री, शरीफ ने दबंग बयान दे दिया, चौधरी ने दबंग तरीके से ये कह दिया। यार ये मतलब इस तरह तो आप इंप्रेस करते हैं लोगों को, ओए मैं आ रहा हूँ, मतलब ये कोई मतलब ये देसी चीज तरीका है मतलब ना सर, कौम देसी कौम वो। भी हमारी है जो सी वो उसकी उससे इंप्रेस होती है। मुझे अपनी कौम की भी समझ नहीं आती जो आज तक लोग इन्हीं चीजों से इंप्रेस होते हैं। बिल्कुल वही बिल्कुल, मौला जट सियासत का वही चौधरा, तो जो बेसिकली जो आपकी ट्राइबल मेंटेलिटी है वो कभी मेच्योर ही नहीं हुई है। वो क्या था, मौला नू मौला ना मारे ते मौला ने मौला मारा। नहीं लेकिन लेकिन बात यह है कि देखें जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, और अगर ये बातचीत से किसी न किसी तरह से रिजॉल्व हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। और हर और बातचीत में हमेशा ऐसे ही होता है कि हर हर बंदे को अपनी पोजीशन पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, मीडिएट करने के लिए। मीडिएशन का मतलब भी यही होता है कि आप है जो उनसे जब बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ सुलह सफाई करने की कोशिश करते हैं तो हर बंदा माफी तलाफी थोड़ी बहुत तो करता ही है ना। और हर अब तो परवेज इलाही ने भी कह दिया कि अब इनकी मजीद इनकी नैपिस चेंज नहीं होंगी और इनको अब साइड पे इमरान नहीं, मैं इस बारे में कुछ खान नहीं के। कहना चाहता हूँ। जिन जिनकी अपनी सीटें इतनी कम है, जो जिनकी अपनी नैपियां किसी के हाथ में, वो दूसरों की नैपीज के बारे में अच्छा बयान इनको भी तो लगा कहते थे देते हैं। इमरान खान साहब के जी ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, और फिर उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया। बस अगर खान साहब ये कर सकते हैं, शेख रशीद के बारे में बयान दे के वो कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर, और ये एक मुस्बत बात है कि आई एम प्रिटी श्योर कि फिर वो इस मार्च पे भी कंप्रोमाइज कर लेंगे जो उनको कर लेना चाहिए। लेकिन जाहिर है जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी दो चार कदम ले, उनको तो वो तो हुकूमत के अंदर है ना, वो अपोजिशन में तो नहीं है, वो मेच्योरिटी उनको, उनके पास पावर है, जिसके पास पावर हो उसको हम्बल होना चाहिए, उसको मुल्क की बेहतरी और अवाम की बेहतरी ज्यादा अजीज होनी चाहिए, और उसके लिए उसको अगला अगर खान साहब एक कदम बढ़ाए तो उनको दो कदम बढ़ा के मिलना चाहिए और उस मामले को रिजॉल्व करना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पावर जो है वो सिर्फ एक ही जगह है और वो पिंडी में है, और मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के पास भी कोई पावर तो है। फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि जी खान साहब अवाम का सैलाब लेके आ रहे हैं जो पिंडी को भी बहा के ले जाएगा, फिर नहीं आपको क्या खान परवाह। खान साहब इसी सैलाब आपको तो से बहुत खान खुश साहब होना आए चाहिए थे, 2018 में खान साहब क्योंकि आए थे, तब भी खान साहब इसी सब तरीके से लोग जीते जो वो थे। सब लोग आप जैसे सब लोग हैं जो उनसे जो आज तक सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट और जो ट्रेंड होता था लेफ्ट का जिसमें एंटी आर्मी होते थे और वो फैज अहमद फैज साहब नहीं की जब राज करेगी खलके खुदा पढ़ते थे, तो अब वो राज करने आ रही है खलके खुदा, तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं नहीं मुझे, मैं तो अभी भी कहती हूँ जो अब चीज तो आप गलत है अगर आर्मी की नहीं, गलत है मैं बोलती हूँ, अगर कोई सिविलियन गवर्नमेंट गलत करती है या इदारे कुछ करते हैं मैं तो साफ बात करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं, मैं तो नाम लेके मैं तो पिक्चर भी लगा देती हूँ, लोग मुझे कहते हैं क्या कर रही हूँ, मैं तो पिक्चर भी लगा देती हूँ ये जर्नल वगैरह की, सब सबका बता देती हूँ क्या कर रहे हैं। बहरहाल यार ये लेकिन मतलब ये है कि हमें कम से कम लर्न करना चाहिए कि ये जो जैसे अरशद शरीफ की ट्रेजिडी हुई है, इंडिविजुअल ट्रेजिडी है लेकिन एक सानिया है, और जाहिर है आप पे भी असर पड़ा होगा बहुत ज्यादा क्योंकि आपके तो वो साफती भाई थे, आपके बिल्कुल प्रोफेशन में थे, और इट मींस कि अगर एक बंदे की जान जा सकती है बाकियों की भी जान जा सकती है, तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि लोगों की जाने निकलना जाना शुरू हो जाए, कोई गिर के मरना शुरू हो जाए, कोई ये बस्ती में आवाज घुसे तो उस आके वक्त मरना उठानी शुरू हो चाहिए जाए। थी ना, उस वक्त अगर सबने मिलकर आवाज उठाई होती, जब मतीउल्लाह जान को उठा के ले गए थे, जब हामिद मीर को गोली मारी थी, अफसार आलम को गोली मारी थी, असतूर पे अटैक हुआ था और कई दूसरे जर्नलिस्ट पे अटैक हुआ था, लेकिन उस नहीं, वक्त कोई आवाजें उठा तो नहीं। उठाई थी लोगों ने लेकिन सिर्फ आवाजें उठाने से तो काम नहीं चलता ना। बात यह है कि क्योंकि आपका वो मामला तो बाकी सारे मामला से जुड़ा हुआ ना, और बाकी सारे मामला फिर वही बात आ जाती है कि एक लेयर उतारो तो मजीद लेयर्स हैं, और धागा है जो उसको पकड़ लो और उसको स्लोली जो उस गुत्थी को सुलझाते रहो। तो गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है ना कि गुत्थी को सुलझाने की नीयत हो और तसल्ली से काम करो, क्योंकि आप गुत्थी सुलझाने के लिए एक दूसरे से दस्तों गरीबां हो जाएंगे, लड़ते रहेंगे तो दूसरे तो गुत्थी मजीद कॉम्प्लिकेट हो जाएगी ना, सॉल्व तो नहीं होगा ना सिलसिला। बिल्कुल ठीक, लेकिन खैर देखते हैं कि खान साहब कहाँ तक पहुंचते हैं और क्या रिजल्ट निकलता है उनके इस लॉन्ग मार्च का। नहीं, मेरा बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह ये जो सा मामला उससे पहले कुछ ना कुछ इसका हल निकल आएगा। आई लग डोंट यही थिंक रहा इट है। विल बी अलाउड टू वन वे या द अदर, आई डोंट थिंक इट विल बी अलाउड टू गो टू दैट लेवल के जहाँ पे बिल्कुल ही
जत्थे के जत्थे जो इस्लामाबाद पहुंच जाए और आगे से इस्लामाबाद वाले भी उन पर अटैक कर दें, आई डोंट थिंक के इट कैन इस्लामाबाद वाले बड़े लेजी हैं, ये नहीं निकलते बाहर, इनको हम ठंड हो गए, शाम में टीवी पे ही देखते रहेंगे क्या हो रहा है। मैं खुद इस्लामाबाद में रहती हूँ, मुझे पता है नहीं, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद जरा वालों भी से मुराद मिजाज के मेरी नहीं थी कि है। इस्लामाबाद में जो आगे से अटैक करेंगे आपको पता लगना चाहिए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मतलब ये है कि हुकूमत की बात कर रहा हूँ। खैर होपफुली इससे पहले ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।